नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी SC/ST विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया। आसाराम के अलावा अदालत ने शिल्पी और शरत चंद्र को भी दोषी करार दिया, जबकि शिव और प्रकाश को बरी कर दिया गया। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और बाकी दोषियों को 20-20 साल की सजा दी गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर बनी विशेष कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने अपना अहम फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन के जरिए जायजा लिया। PM ने अपने ऑफिस साउथ ब्लॉक से ड्रोन तकनीकी से केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण की रफ्तार को देखा। वहीं 29 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर PM मोदी की यात्रा फिलहाल टल सकती है। केदारनाथ से आज होने वाली लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ही PM की यात्रा पर आखिरी फैसला होगा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। खबरों के मुताबिक सजा सुनकर आसाराम रो पड़ा और सिर पकड़कर बैठ गया, राम राम जपने लगा। आरोप साबित होने के बाद आसाराम ने तबियत बिगड़ने की शिकायत कर अस्पताल ले जाने की मांग की। चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को लेकर भारत अब भी अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया कि भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी सप्ताह चीन दौरे पर जाने के मद्देनजर भी भारत के इस रुख को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि OBOR चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अति महत्वाकांक्षी योजना है। उच्चतम न्यायालय ने राजधानी की 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेष कार्य बल को 2 सप्ताह के भीतर सड़कों और फुटपाथ से अवैध कब्जा हटाने को भी कहा है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राजधानी में कानून का राज खत्म हो चुका है। पीठ ने सरकार से कहा कि आप हलफनामा दाखिल करके ये बोल दें कि हम कानून का पालन नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तहत बन रहे लाखों मकानों में PM नरेंद्र मोदी और CM शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें चमकेंगी। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे 2,86,000 घरों में ऐसे टाइल्स लगाए जाएंगे जिनमें मोदी और शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें होंगे। शहरी प्रशासन विभाग ने इस बाबत टाइल्स का नमूना भी अधिकारियों को भेजा है ताकि विशेष डिजाइन के टाइल्स भी लगाए जा सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अपनी ही पार्टी के विधायकों के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बदायूं जिले से BJP विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने CM योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने CM से जिले में विकास के काम कराने की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने लेटर में 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने लेटर में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के कामकाज की तारीफ भी की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के टॉप एथलीट्स ने राज्य सरकार द्वारा उनके स्वागत के लिए रखे गए एक कार्यक्रम में ना जाने का फैसला लिया है। इन खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा, मनोज कुमार, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के नाम शामिल है। दरअसल हरियाणा सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों को दी जाने वाली अवार्ड मनी में कटौती करने का मन बनाया, जिससे खिलाड़ी नाराज हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में 9 उम्मीदवारों ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नामांकन दाखिल किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट को ये जानकारी राज्य चुनाव आयोग के सचिव नीलांचन शांडिल्या ने दी है। बता दें कि हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों के नामांकन व्हाट्सएप से स्वीकार करने के आदेश दिए थे। केंद्र की मोदी सरकार ने 42 साल पुरानी मिनी रतन कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को बेचने का फैसला ले लिया है। माना जा रहा है कि कंपनी की हिस्सेदारी बेचने के बाद सरकारी खजाने में लगभग 1400 करोड़ रुपए आएंगे। सरकार की ड्रेजिंग कॉरपोरेशन में 73.46% हिस्सेदारी है। ये कंपनी शिपिंग मिनिस्ट्री के अधीन है। जल निगम भर्ती घोटाले में SIT रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला लिया है। आजम खान के खिलाफ आरोप है कि साल 2016-17 में जल निगम के भर्ती बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए उनके द्वारा 1300 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी की गई। UP में योगी सरकार आने के बाद इस मामले की जाँच SIT को सौंपी गयी थी। UGC ने 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, जिनमें से 8 राष्ट्रीय राजधानी में है। इस सूची में बिहार का 1 और उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय शामिल है। आयोग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में 24 स्वयंभू और गैर पंजीकृत संस्थान UGC अधिनियम का उल्लंघन करके चल रहे हैं।
नाबालिग से रेप करने के आरोप में आध्यात्मिक गुरु आसाराम को दोषी करार दिया गया। इस बीच कांग्रेस ने आसाराम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो को ट्वीट कर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगत से ही होती है। कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसाराम के साथ में फुटेज दिखाया गया है। इसके अलावा आसाराम की तारीफ करते हुए उनके भाषण का अंश भी दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मसले कम होते नहीं दिख रहे हैं। अब दो वरिष्ठ जजों जस्टिस रंजन गोगोई और मदन लोकुर ने सीजेआई को लेटर लिखकर कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के भविष्य और संस्थागत मसलों पर चर्चा करने के लिए फुल कोर्ट बुलाई जाए। बता दें कि दो दिन पहले ही सात विपक्षी दल सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 की शूटिंग के चलते कश्मीर में है। ऐसे में उन्होंने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और बॉडीगार्ड शेरा भी नजर आए। सीएम से हुई इस मुलाकात की तस्वीर रमेश तौरानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि रेस 3 की शूटिंग के लिए कश्मीर में स्वागत करने के लिए हम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।